बहुत ही ऐसा कम बार होता है कि कोई इन्वेस्टर जब अपना 2FA या फिर बोल लीजिए कि गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करे एंड अनेबल करते समय जब उनको प्राइवेट की एंड QR कोड मिलता है उसको वो सिंपली खो दे, ऐसा बहुत कम होता है। बट अगर आपने वजीरेक्स एक्सचेंज में गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल किया था और अब आपके पास ना तो प्राइवेट की है ना आपके पास QR कोड है एंड आपका जो एप्लीकेशन था गूगल ऑथेंटिकेटर वो भी अनइंस्टॉल हो गया, अब आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर में जो कोड जनरेट होता है वो आपके पास है नहीं। So, आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे आप किस प्रकार वजीरेक्स एक्सचेंज का गूगल ऑथेंटिकेटर रीसेट करवा सकते हैं, यानी कि जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसको वजीरेक्स एक्सचेंज से कैसे रिमूव करवा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो मैं स्टेप बता रहा हूँ अगर आपके पास PC है सो बेस्ट रहेगा, अगर आपके पास मोबाइल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारे स्टेप मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है या फिर सिंपली आपको क्या करना है वजीरेक्स की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप URL देख सकते हैं एंड उसके बाद में आपको फर्स्ट लुक कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा, हो सकता है कि आपको यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे क्योंकि मैंने यहाँ पे डार्क कर रखा है। उसके बाद में ऊपर आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे या फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगर मोबाइल पे है तो। सो आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद में वजीरेक्स की सपोर्ट वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में कुछ फर्स्ट लुक कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको मिलता है कांटेक्ट करने का, सो अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं वजीरेक्स टीम से, सो आप यहाँ पे कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का जो पेज है वो दिखाई देगा, यहाँ पे आप चाहें सो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं। सो आपको मैं बोलूंगा कि बात करने से अच्छा है कि आप अपनी समस्या का समाधान करवाइए, बात करने से कोई मतलब नहीं है। सो आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक आपको मैसेज का लोगो मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको इसको बारीकी से समझना है, कोई भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए वापस से देखिए। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट मैनेजमेंट का, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 2FA रीसेट, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास जो रिकवरी कोड है वो है। सो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपने की भी खो दिया है और QR कोड भी खो दिया है सो आपको कैसे यहाँ पे जो आपका 2FA रीसेट करवाना है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कि जो रिकवरी कोड है यानी कि की है मान लीजिए आपके पास, सो आपको यस करना है, अगर आपके पास की नहीं है सो नो करना है। सो मेरे केस में मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब आपको यहाँ पे मैसेज में टाइप करना है आपका नाम। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेरा जो नाम है वो टाइप कर दिया, आपको वो नाम टाइप करना है जो आपका अकाउंट में रजिस्टर्ड है। इस बात का ध्यान रखना है ऐसे कुछ भी रेंडम नाम नहीं लिख देना है। सो मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है। सो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे टाइप करना है मैसेज में, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा। अब मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई थी उस पे OTP भेजा जाएगा, अगर OTP नहीं जाता है रीसेंड OTP पे क्लिक करूंगा, या ईमेल आईडी ही गलत डाल दी है सो री एंटर ईमेल आईडी पे मैं क्लिक करके वापस से ईमेल आईडी को डाल सकता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको जो ईमेल है उसमें OTP आएगा। सो मैं इस OTP को कॉपी कर लेता हूँ, वापस से आता हूँ एंड OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। OTP डाल के सेंड करेंगे, उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने एक भी स्टेप इधर उधर किया सो आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर है वो रीसेट नहीं होगा। जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका फॉर्मेट होना चाहिए MP4 या M4V या MOV एंड जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी मैक्सिमम जो साइज होनी चाहिए ना वो 15 MB होनी चाहिए। अगर 15 MB से ज्यादा हो गया सो आपको उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि आपकी अगर मान लो 50 MB है तो 50 MB को आपको 15 MB तक लाना होगा, डिक्रीज करना होगा। सबसे पहले तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा खुद का एंड उस वीडियो में आपको बोलना होगा आपका जो भी नाम है, जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ कि मेरा नाम XYZ है एंड आज का डेट ये है एंड मैं अपने वजीरेक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का 2FA रीसेट कराना चाहता हूँ, मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी XYZ है एंड मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसमें अगर कुछ भी डिपॉजिट या विड्रॉल होते हैं और मैं इसका खुद मालिक हूँ। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टोटल मेंशन किया गया है जैसे कि आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। आपको बोलना है माय नेम इज जो भी है, उसके बाद में टुडे डेट इज, प्लीज रीसेट माय 2FA वजीरेक्स
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज माई रजिस्टर ईमेल आईडी XYZ. आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल एंड द सोलो ओनर ऑफ ऑल ट्रेड्स डिपॉजिट विड्रॉल ऑन दिस अकाउंट. आप कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं. फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, मान लीजिए आप कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में भी, इंग्लिश में, आपकी कुछ और लैंग्वेज है, आपको बोलना नहीं आता ढंग से, सो आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप बोल सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में बोलना है. यहाँ पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, सो पैन कार्ड या आधार कार्ड जब आपने KYC की थी, सो दोनों ही डॉक्यूमेंट से की होगी, सो दोनों में से एक कोई भी डॉक्यूमेंट आप पकड़ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करके वीडियो अपलोड करना होगा. सो मैं यहाँ पे एक बार अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ. मैंने अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा इस पे आप क्लिक करेंगे. इस पे क्लिक करने के बाद में आपने जहाँ पे भी आपके PC में या फिर मोबाइल पे क्लिक करेंगे, सो आपका जो फाइल मैनेजर होगा, जो भी गैलरी है, बेसिकली वहां लेके जाएगा. आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसको आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड करना होगा. सो यहाँ पे है मेरा वीडियो, सो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे अपलोड हो चुका है. डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है. अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी हुई सो फट से अपलोड हो जाएगा. अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई सो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है. 15 MB से अगर ज्यादा हुआ सो आपको एरर आ जाएगा, वापस से 15 MB की साइज कीजिएगा फिर अपलोड कीजिएगा. जैसे ही आप अपलोड कर देंगे सो यहाँ पे जो WZIREX की टीम है उनसे जो सपोर्ट मेंबर होंगे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे एंड जो मैसेज है सिंपली वो उनकी तरफ से किए जाएंगे. सो आप इनको यहाँ पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि प्लीज रीसेट माई गूगल ऑथेंटिकेटर या 2FA, और आप इनके साथ कनेक्ट रहे जब भी आप वीडियो भेजते हैं ताकि आपका जो इश्यू है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए. सो जैसे कि यहाँ पे इनकी टीम के मेंबर फिलहाल कनेक्टेड है, यानी कि वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे कि हाँ मैंने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया क्या वो सही है या नहीं. सो बेसिकली यहाँ पे जब आपको ऑटो विल्ड मैसेज आएगा ना, वहाँ पे भी आपको बोला जाएगा कितने टाइम आपको वेट करना है. सो जैसे कि 5 मिनट के लिए बोला गया है. मेरे यहाँ पे जो अकाउंट की डिटेल है वो चेक की जा रही है. जैसे मैंने कहा कि वीडियो देखा जा रहा है कि जो वीडियो में डिटेल मैंने बोली है एंड जो डॉक्यूमेंट मैंने पकड़ा है क्या वो सही से दिख रहा है वीडियो में या नहीं दिख रहा है. मैंने वैसे मैसेज भी कर दिया है. आपको 5 से 10 मिनट में मैसेज आ जाएगा. तो आपका जो ब्राउजर है ना वहां से आप हटाए नहीं, जो आपने पेज ओपन कर रखा है ना उसको ऑन ही रहने दे. फाइनली WZIREX सपोर्ट टीम की तरफ से मुझे जो रिप्लाई है वो आ चुका है. यहाँ पे बोला गया कि जो 2FA है, जो रीसेट की रिक्वेस्ट है सिंपली, वो मेरी प्रोसीड कर दी गई है. 24 आवर्स के अंदर जो मेरा 2FA है वो कभी भी रीसेट हो जाएगा एंड आपको ईमेल के माध्यम से, यानी कि मुझे जो ईमेल है उसके माध्यम से भी बता दिया जाएगा. इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपको वापस से वीडियो अपलोड करने के लिए बोला जाता है सो आप वो भी कर सकते हैं. वैसे मुझे कुछ भी नहीं बोला कि आप वापस से अपलोड कीजिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक ही बारे में जो वीडियो है वो अच्छे से जो अपना डॉक्यूमेंट है वो होल्ड करके सेंड किया था. अब आपका सिंपली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो ही चुका है, आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड हो गया है 2FA का. सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है इस पे क्लिक कर देंगे, यानी कि बाहर आ जाएंगे. सो कुछ इस प्रकार से आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी WZIREX एक्सचेंज के साथ लिंक, उस पे आपको एक ईमेल आ जाएगा WZIREX एक्सचेंज की तरफ से. यहाँ पे लिखा हुआ है WZIREX 2-Factor Authentication Mode Update. सो यहाँ पे सक्सेसफुली जो मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर था यानी कि 2FA था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि रीसेट हो चुका है. जो मेरा मोबाइल नंबर होगा उस पे अब OTP आएगा. सो आप वापस से WZIREX की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस पे भी क्लिक करके आप WZIREX की वेबसाइट पे जा सकते हैं. उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो डालेंगे. लॉगिन पे क्लिक करेंगे. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे अब मेरा जो 2-Factor Authentication है वो SMS वाला हो गया, जैसे मैंने कहा. सो यहाँ पे आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP भेजा जाएगा. सो मुझे फिलहाल यहाँ पे जो OTP वो मिल चुका है, OTP मैं डालूंगा एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेट करूंगा. सो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा. सो कुछ ये आसान सिस्टम फॉलो करके आप WZIREX एक्सचेंज में गूगल ऑथेंटिकेटर को रीसेट करवा सकते हो, अगर आपने की एंड QR कोड खो दिया है तो. अब वापस से आप नया जो गूगल ऑथेंटिकेटर वो सेटअप कर सकते हैं, किस प्रकार सेटअप करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कहाँ पे आप जो की है उनको सेफ सुरक्षित रखें, कहाँ पे ना रखें, उसका एक डिटेल वीडियो है ऑलरेडी मैंने बना रखा है. उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप WZIREX एक्सचेंज के प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे वहां पे आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे. अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है. एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक
कर लीजिए ताकि आपको सारे ही नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।